राजीव चलो जल्दी। हाँ बगल। संजू पुत्र, मैडम उनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? तुम लोग नहीं गए ना तो इसे ऐसा ही मारते रहेंगे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम लोग किसी से भी दुपट्टा लेके ना अपना चेहरा ढक लेना। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब नीति अपनी मॉम के साथ जा रही होती है परी के घर को छोड़कर, तो वहीं से राकेश अपनी नजर नीति पर गाड़े रखता है, यानी कि नीति का पीछा करता है और उसके बाद नीति को किडनैप करा लेता है। फिर दलजीत का फोन आता है परी के पास और जब उसे बात पता चलती है तो परी राजीव से कहती है कि नीति को राकेश ने किडनैप कर लिया है। ये लोग पुलिस के पास मदद के लिए जाते हैं और पुलिस वाले इन्हें बताते हैं कि जिस इंसान की उसने मदद ली है, जॉर्डन की, वो एक बहुत खतरनाक इंसान है। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर राकेश के सामने बचाने के लिए परी और राजीव आए नीति को, तो उसने अपने बंदों से कह दिया है कि भाई तुम परी और राजीव को वहीं के वहीं खत्म कर दोगे। नीति यहां पर कहती भी है राकेश को मुझे छोड़ दो, तो राकेश कहता है तुम भूल गई, तुमने अभी मुझे कुछ समय पहले कितना मारा था, तो अब तुम मुझे कह रही हो मुझे छोड़ दो। तो आने वाले एपिसोड में क्या ये सारा प्लान बनाया गया है, क्या सही में नीति की याददाश्त खो चुकी है, क्या राकेश अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा, क्या राकेश परी और राजीव को जान से मरवा पाएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जिनसे पंगा लिया है नीति ने, यानी कि राकेश ने जिसके साथ हाथ मिलाया है, वो बहुत खतरनाक इंसान है। और यही बात पुलिस समझाती हुई परी और राजीव को भी दिखाई देती है। देखते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होता है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रखिए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।